Today we are going to show you how to operate account module of SuccessFlow software. Currently the software I am using to show the demonstration is our demo software version, which we use for our testing purpose. But once you log in, you will find all the same functionality is available in your software also. And I am logging here. In dashboard in left hand side, you can see there account menu. The first tab is account. In this account menu, you can add all the bank account information along with the cash in hand you carry. For example, I am giving here opening balance, how much amount in account balance is there. For example, there is cash in hand, the opening balance is 0 and the current balance is 3980. यहाँ पे हम मल्टीपल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई का अकाउंट ऐड करना चाहूँ तो मैं नेम दे सकती हूँ कि कौन से बैंक से मेरा अकाउंट है, और फिर अंडर स्कोर दे करके अपने अकाउंट नंबर को सेपरेट भी कर सकती हूँ. और फिर मैं ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकती हूँ कि मेरा अभी ओपनिंग बैलेंस कितना अमाउंट होगा. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है, जहाँ पर मेरा अकाउंट नेम है विद अकाउंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस इज़ देयर, करेंट बैलेंस इज़ देयर एंड द टाइम एंड डेट इज़ ऑल्सो इज़ देयर. Now we have option for credit note. Credit note में हम amount लेते हैं कि हमें कितना amount लेना है अपने account में. तो उसके लिए सबसे पहले हमें account choose करना होगा कि किस account में मुझे पैसे चाहिए. मैंने account choose किया, फिर मैं amount डाल रही हूँ कि कितने पैसे मेरे credit होंगे मेरे account में, कितने पैसे आएंगे. फिर हमारा purpose, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन मैंने चूज़ किया, हमारे पास अदर ऑप्शन भी है. अगर हम अदर चूज़ करते हैं तो हमें पर्पस देना पड़ेगा कि हमारा मूड क्या है, हमारा पेमेंट का पर्पस क्या है लेने का. तो हम अभी कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर लोन भी डाल सकते हैं, फॉर लोन रिसीव. और हम लोगों ने किन से लिया है उनका भी इंफॉर्मेशन, उनके नाम डाल सकते हैं. और यहाँ पे हम पेमेंट का डिटेल भी डाल सकते हैं. अगर मैंने कैश लिया है या फिर चेक लिया है तो उसका डिटेल डाल सकते हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये अमाउंट मैंने किस मोड में लिया है, किस चेक से, मेरे कौन से नंबर है. और फिर हम डिस्क्रिप्शन और डिटेल भी डाल सकते हैं, ताकि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम ना हो कि मैंने किस पर्पज़ से ये पैसे क्रेडिट किए थे अपने अकाउंट में. फिर हम क्रेडिट करते हैं तो मुझे एक सक्सेसफुल मैसेज आता है, सक्सेसफुल होने का क्रेडिट मैसेज का. और अगर मैं ऐसे चेक करना चाहूँ तो मैं अकाउंट लॉग में जा कर के मैं ये चेक कर सकती हूँ कि आज के डेट में इस अकाउंट में मैंने क्या किया है, मैंने मेरा क्या काम हुआ है. रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कर चुके हैं पहले. अकाउंट लॉग में मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरे कितने पैसे अभी मैंने क्रेडिट किए. सारी डिटेल के साथ मुझे सब कुछ इसमें दिखेगा, जैसे डेट दिखेगा, अकाउंट किस अकाउंट में मैंने किया है, टाइप मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है मैंने, अमाउंट कितने अमाउंट मैंने क्रेडिट किया है, फ्रॉम किन से लिया है और किस अकाउंट में मैंने डाला है ये पैसे, और क्या पर्पस है मेरे लेने का और मोड क्या है मेरे लेने का. ये सारी डिटेल मुझे इसमें अकाउंट लॉग में मुझे पता चलेंगे. और मैं डेबिट नोट पर मैं जाती हूँ. डेबिट नोट में मेरे डेबिट का काम होता है कि मुझे कितने पैसे देने हैं, तो मैं किस अकाउंट से पैसे दूँगी वो मुझे सिलेक्ट करने होंगे पहले. फिर कितने अमाउंट मुझे देना है, मेरा पर्पस क्या है, जैसे मैंने क्रेडिट में डाला था वैसे ही इसमें भी ऑप्शन है मेरे पास. अगर अदर सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे पर्पस डालने पड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाल दी एक्सपेंडिचर, मुझे वहाँ पैसे लेना है. मैं नाम डाल सकती हूँ पर्सन का, इसको मुझे पैसे देने हैं. पेमेंट का मोड डाल सकती हूँ, अगर मैं चेक करना चेक करूँगी और डिस्क्राइब कर देती हूँ. मेरे के लिए मुझे मैसेज आएगा, सक्सेसफुल मैसेज आएगा. अब मैं इसे वापस से अकाउंट लॉग में चेक कर सकती हूँ. अकाउंट लॉग में मुझे जानने के लिए अकाउंट के डिटेल मुझे सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डेट में मैंने क्या काम किया है. तो मैं आज का डेट सेलेक्ट करूँगी. मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगी, किस अकाउंट का डिटेल मुझे चाहिए. मैंने यहाँ पे UBI सेलेक्ट किया, जिसका डिटेल मैंने अभी जस्ट डेबिट किया था, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है. मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकती हूँ, देख सकते हैं ये मेरा प्रिंट आउट निकल गया. मैं इसे निकाल सकती हूँ.
अगला फंक्शन मेरे पास है फ्यूचर पे का, जिसपे फ्यूचर पे एक्चुअली एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं फ्यूचर में मेरा क्या पेमेंट होगा, किस चेक पे चेक मोड में होगा फॉर एग्जांपल, तो मैं इसमें सारे डिटेल डाल करके वो रख सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अकाउंट अपना सिलेक्ट किया, मुझे डेबिट करना है, मैंने डेबिट सिलेक्ट किया, फिर मैं अपना डेट सिलेक्ट कर रही हूँ, कितना अमाउंट मुझे डेबिट करना है वो सिलेक्ट किया मैंने, मेरा पर्पस क्या है, सेम एज़ क्रेडिट और डेबिट की तरह मैंने सारा डिटेल मैंने डाला है इसमें। बस मेरा डेट इसमें जाएगा कि किस डेट को मेरा वो क्लियर होगा, वो चेक मुझे वो डालना पड़ेगा, और मैंने किनको किया है डेबिट, अगर करना है तो किनको करूँगी उनका नाम मुझे डालना होगा। यहाँ पर मैंने डिटेल डाला और मैं ऐड करती हूँ, तो ये मेरा पे डिटेल में डाल सकती हूँ मेरा अगर इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ सर, बाहर आपसे बात कर ली थी कि अभी तो थोड़े दिन पहले फिर मैंने डिस्क्राइब भी कर लिया, मैंने सारे फिल आउट कर लिया, मैं ऐड करूँगी, मेरा सक्सेसफुल मैसेज आएगा और नीचे मैं देख सकती हूँ कि मैंने जो जो डाला है वो मेरे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। अब मेरे पास अगला ऑप्शन एक आता है एक्स्ट्रा पेमेंट का। एक्स्ट्रा पेमेंट एक्चुअली होता है कि मुझे कितने पैसे आएंगे या जाएंगे, एक लोन मोड में आप बोल सकते हो आप इसको, कि मुझे किसी को अगर कुछ पैसे देने हैं या फिर मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा, कितना अमाउंट है, मेरा नेम ऑफ पेमेंट क्या है, मेरा क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, वो अकाउंट में डालूँगी यहाँ पे। जैसे मैंने पेमेंट में डाला अभी रमेश डाला, मुझे रमेश त्रिपुरा से डेबिट लेना है, डेबिट देना है 2000 अमाउंट चालू करना। अब मैं पार्शियल पेमेंट यहाँ से कर सकती हूँ, जैसे 20,000 है तो मैं उसे ब्रेक करके भी पेमेंट कर सकती हूँ, मैं टोटल पेमेंट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट डालूँगी, मैं अगर मान लो 10,000 में डाल रही हूँ 20,000 में, तो मैंने पेमेंट किया है, आप देख सकोगे अभी यहाँ पे कि मेरा कितना ड्यू अमाउंट बाकी है और मेरा कितना मैंने पेमेंट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 10,000 अभी तक पेमेंट किया है, मैंने किस अकाउंट से किया है, डेट मेरा दिया हुआ है और मेरा ड्यू अमाउंट अभी 10,000 है। यहाँ पे सब चीज़ सारा चीज़ शो हो रहा है और अकाउंट में जाके फाइनली आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का भी करंट बैलेंस कितना है। इसके लिए आप अकाउंट में जाओगे, उस अकाउंट में आपको दिखेगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था और मेरा करंट बैलेंस कितना है। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कलर देख पा रहे हो, यहाँ पे ग्रीन कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ये तीनों कलर अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है। ग्रीन कलर ओपनिंग बैलेंस से इंक्रीमेंट को डिनोट करता है कि हमारा जो करंट बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस से इंक्रीज हुआ है। उसी तरह जो रेड कलर है वो डिक्रीमेंट को शो होता है कि हमारा जो करंट बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस से कम है, और जो येलो कलर है वो ये शो करता है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू करंट बैलेंस है, यानी कि हमारा ना क्रेडिट हुआ है ना डेबिट हुआ है, वो एज़ पर एज ओपनिंग बैलेंस ही है। ये तीन कलर तीन चीज़ों को डिनोट करता है। और हमारा जो हम यहाँ पे एक और फंक्शन हमारे पास है हमारा ट्रांसफ़र, अगर हम अपने अकाउंट से पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट में हम जा करके हम देखेंगे कि हमें कितना ट्रांसफ़र करना है, तो हम अपना अमाउंट डाल सकते हैं, किस अकाउंट से डालना जाना है वो कर सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे, और अकाउंट ब्लॉक में हम जा करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वो कहाँ गया है वापस से। ये लॉग हमारे पूरे दिन का, उस पर्टिकुलर दिन का, पर्टिकुलर अकाउंट का सारा डिटेल बताता है कि हम उस पर्टिकुलर दिन में उस अकाउंट से हमने कितने पैसे दिए, कहाँ दिए, सब कुछ आप अकाउंट लॉग में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्रेडिट लिया है इसलिए उसका कलर ग्रे है, और यहाँ पर भी कलर चेंजेस का एक मोड है, पिंक कलर इज़ फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इज़ फॉर क्रेडिट ग्रे कलर। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, हमारा क्रेडिट हुआ है 15,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में। दैट्स ऑल, आई होप दिस सेशन विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अकाउंट मोड फंक्शन, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू।